जय श्री महाकाल एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कम टाइम में पूरी फैमिली का लंच कैसे रेडी करें। आज मैं बहुत लेट हो गई थी तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। आई होप मेरे वीडियोस आपको थोड़ी सी हेल्प कर पाएँ और आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दाल को धो के रख लिया है साइड में और मैं यहाँ पे आलू छील रही हूँ क्योंकि मैं आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। वैसे आप कोई अदर सब्ज़ी बना रहे हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने फटाफट से इसको धो के और रख दिया है कुकर में। हम साथ में ऐसे साइड में जमा देंगे। यदि आपके फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो आप अपना कुकर बड़ा ले सकते हैं और क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं अपने खाने की। तो मेरे पास डब्बे नहीं थे तो मैंने कुकर में इस तरीके से नीचे दाल, उसमें पानी डाल के आलू और उसके बाद मैंने लोटे में चावल को धो के रख दिया है। इसको मैं पहले साइड कर दूंगी और उसके बाद मैं बाकी के काम करूंगी। तो सबसे पहले हमें टाइम को मैनेज करना रहता है कि जब हमने कुकर चढ़ाया तो उसके बाद हम कैसे क्या काम करें कि हमारा काम फटाफट हो जाए। तो मैंने आटा को तो लगा के साइड कर दिया है और मैं दाल फ्राई करने के लिए सारी चीज़ें कट करके साइड कर दूंगी क्योंकि फिर बाद में फटाफट से टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा पहले इसको काट देते हैं और फिर अब मैं बाकी के काम निपटाऊंगी। साथ में मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग भी करती जाती हूँ क्योंकि साफ़ हो रहता है तो फटाफट काम भी हो जाते हैं। और मैं इसके साथ बनाने वाली हूँ टमाटर की चटनी, जिसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर लहसुन छिले ना हो फटाफट, कई बार नहीं होते हैं, तो आप लहसुन को अच्छी तरीके से अगर कूट लेंगे तो फट से छिलके उसके निकल जाते हैं। और फिर मैंने बना ली है ये चटनी। तो चटनी बना के मैं कर दूंगी साइड और सारे बर्तन साइड। तब तक हमारे कुकर में सीटी भी आ गई थी तो जब तक ये खुलेगा तब तक मैं बना लूँगी रोटियाँ क्योंकि रोटियों में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे तो मुझे रोटियाँ ज़्यादा नहीं बनानी थी क्योंकि बच्चे लोग कम खाते हैं और मैं भी एक आधी रोटी खाती हूँ तो इसलिए मेरी जल्दी हो जाएगी। आपको शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है रोटियां सेकने में, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए। तो मैंने तो बीच में ही सेक ली जब तक मेरा कुकर खुला नहीं था। मेरी रोटियां सेकते सेकते ही कुकर खुल गया था तो फिर मैंने ये कुकर को ओपन किया और ये देखिए आप इस तरीके से ऊपर पानी आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है, इस पानी को हम दाल में मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये दाल का ही पानी है। और ये मेरा चावल देखिए बन के रेडी हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। और आलू भी सारे पक चुके हैं और दाल को भी मैं आपको दिखाऊंगी। दाल बहुत अच्छे से पक जाती है क्योंकि हमें ज़्यादा सीटी लेनी होती है, कोई दिक्कत नहीं रहती। ज़्यादा सीटी लेंगे तो दाल ही अच्छी पकती है, चावल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके बाद मैंने रख दी है कढ़ाई और अब हम करेंगे दाल को फ्राई। तो मैं टमाटर वाली दाल बना रही हूँ तो एक साइड पे मैंने दाल फ्राई करी है और फटाफट से इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। सिंपल मसाले जो अपन डेली फ्राई करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग फ्राई कर लीजिए। और इसको मैं ढक दूंगी क्योंकि मुझे रायता भी रेडी करना था। तो मैं ये मही लेके आ गई हूँ, मेरे पास रखा हुआ था और मैंने चम्मच में फटाफट से इसमें छोक लगाया और इसको छोक लगा के हम कर देंगे साइड। और ये दाल के भी लगभग टमाटर हो चुके हैं तो ये हो गया मेरा रायता बन के रेडी। इसको मैंने कर दिया है किनारे और अब मैं करूँगी मेरी दाल को चेक। तो ये हो गया मेरा बन के फटाफट से रेडी और इसमें मैंने दाल को छोक दिया है तो हमारी दाल भी बन के रेडी हो गई है। यदि हम एक बार में ही सारी चीज़ें बना लेते हैं तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि मैं दोबारा जाऊं। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ कर लेती हूँ कि जिससे फट से खाना भी बन जाए और मेरे को ज़्यादा टाइम भी ना लगे। फिर मैं यहाँ पे मैंने आलू को छोक दिया है, ये मैं जीरा आलू बना रही हूँ सिंपल। ये बच्चों को भी बहुत पसंद है और मेरे यहाँ इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें मैंने सिंपल से मसाले डाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया और नमक और जीरा और सूखी वाली मिर्च से इसको फ्राई किया है। तो ये बन के रेडी हो गए हमारे आलू। तो लगभग सारा काम हो चुका है, सब बन के हो गया रेडी। आपने देखा ना कितना फटाफट से सारा खाना बन गया है क्योंकि दाल चावल और सब्ज़ी ही मेन होता है। तो वो बन गया तो उस सारा खाना मान लो बन गया। रोटी सेकने में ही टाइम लगता है, उसको आप मैनेज अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्लीनिंग कर ली मैंने और ये रही आज की हमारी लंच की थाली। आज हमारी थाली में है दाल चावल और उसके साथ आलू की सब्जी, टमाटर की चटनी, रायता और सैलेड अचार। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।